बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब बहन भाई दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आमद पर। अभी मैं फेसबुक पर ऑनलाइन था और देख रहा था कि अचानक मेरे सामने से ये न्यूज़ गुजरी है कि जो बच्ची जिसके वालिद ने उसको चंद दिन पहले 5 गोलियाँ मारकर कत्ल किया था, उसकी वालिदा के बारे में ये न्यूज़ थी कि वो भी अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सदमे की बात थी। मैंने उसी वक्त ये वीडियो सर्च करनी शुरू कर दी और मैंने देखा है कि कहीं मुझे इस तरह की कोई न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि हमारा जो मीडिया है या यूट्यूब पर थोड़े थोड़े व्यूज़ लेने के लिए इंतहा की घटिया हरकतें करने पर तुल आते हैं और कोई किसी को इस तरह नहीं बख्शता कि कोई किसी का किस तरह हम सुकून ख़राब कर रहे हैं। लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं और ये जो बैठे हुए हैं चंद व्यूज़ के लिए वो नोच रहे हैं लोगों को। तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं कहीं से ये न्यूज़ ला कर देखूँ कि ठीक है या गलत है, लेकिन मुझे मेरी जो जितनी मेरी पहुँच थी उसके मुताबिक मैंने चेक किया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला उनको हदायत दे जो इस तरह की फेक न्यूज़ चला रहे हैं, और अल्लाह ताला उस बच्ची की वालदा को उसे तो तंदरुस्ती अता फरमाएँ और उसको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाएँ। और जिस ज़ालिम शख्स ने ये काम किया है, मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उसे सरेआम चौक में फांसी दी जाए।